तो देख लीजिएगा ये सुशांत जी का घर बिल्कुल खाली पड़ा है। मैं आरोपी चाहता हूं, तू भी कैमरा पैन करेगा। बिहारी वांट 14 जून एंटी सुसाइड वाला जो सुशांत जी, और मेरा तो फेवरेट MS धोनी है। तो गाइस सुशांत जी को तो इंसाफ मिला नहीं, और जो जिनके कारण उनका डेथ हुआ उसका भी कुछ पता चला नहीं। तो यूट्यूब पर गाइस आप लोग सर्च करिएगा, तो रिया चक्रवर्ती आराम से अभी घूम रही है। हेलो एवरीवन, आई एम जय, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी मैं सुशांत जी के घर के पास खड़ा हूँ, और लगता है कि ये घर अब बिक चुका है, मतलब कि बेचा चुका है, कोई नहीं आना ही रहता है, गेट लॉक है। और बहुत ख़ास बात, मेरे को बहुत ही ख़राब लगा, मैं आपको दिखाता हूँ क्या। और यहाँ पर आप लोग देखिएगा फ़ोटो लगा करता था, लास्ट टाइम मैं यहाँ पर आया था तो मैंने फूल भी चढ़ाया था उनके जन्मदिन के टाइम, बट अब यहाँ पर नहीं है, देख लीजिए। और ये आप लोग देख रहे हैं पोस्टर वगैरह हटा दिया गया है। तो देख लीजिएगा ये सुशांत जी का घर बिल्कुल खाली पड़ा है, सन्नाटा है, और गेट तो लॉक नहीं है, बट इसको ताला लगा, लगता है अंदर से लॉक है, ताला लगा हुआ है, बाहर से तो ऐसे ही खुला हुआ है। और पहले बट यहाँ पर फोटो था, माला वाला चढ़ाए गए, लोग यहाँ पर आते थे, तो वो यहाँ से हटा दिया गया। ये मेरे बिल्कुल ख़राब लगे, तो हमेशा लग रहा था इसको हटा दिया गया है। गाइस मैं हूँ सुशांत जी के घर के पास, और बहुत ही मेरे को ख़राब लग रहा है कि फ़ोटो यहाँ पर जो था हटा दिया गया। और सुशांत जी का शुरुआत, करियर का शुरुआत हुआ था उनका TV सीरीज़ से, अब तो मूवी में बाद में आया, पहले उन्होंने TV सीरीज़ में हुए थे, बाद में वो मूवी में आए थे। और आप लोगों को बताएं ही, सबको पता है, पूरे इंडिया को पता है, पूरे दुनिया को पता है उनके साथ क्या हुआ, और अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला। ये बहुत ही ख़राब बात है। CBI क्या भाई, #CBI ऐसा कोई बोले थे, बट अभी तक CBI ने कोई भी इंसाफ उनको नहीं दिलाया। मेरे को तो घर के पास खड़ा होकर बोलने में बहुत ख़राब लग रहा है, क्योंकि अभी तक उनको कोई इंसाफ नहीं मिला, कुछ भी पता चल रहा नहीं। और एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ चैनल जिसके बारे में बोलना नहीं चाहूँगा, वो बोले थे कि लास्ट तक हम लोग साथ देंगे, कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। वो तो बिल्कुल अंडरग्राउंड हो गए, पता नहीं वो कहाँ चले गए, कुछ भी नाम ही नहीं लेते हैं सुशांत जी का। पहले तो पूरा लॉकडाउन के समय नाम ले रहे थे, बट अब 1% भी उनका नाम नहीं लेते हैं चैनल में। तो अच्छा से गाइस आप लोग देख लीजिए, यही सुशांत जी का घर, और लोकेशन क्या है, मैं यहाँ पर 2 बार व्लॉग बना चुका हूँ कहाँ ये इसका आने का है, तो ऊपर आप लोग आई बटन पर क्लिक करके चेक कर लिए कैसे आने का है। यहाँ पर देखते हैं फैन अभी रखा हुआ है, बट घर में लगता है अब कोई रहता नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, एकदम लॉक हो चुका है ये घर, देख लीजिए एकदम सन्नाटा है। फिर बाकी सब घर में चहल पहल है, साइड में जो घर है ये सब में, बट ये जो सुशांत जी का घर है यहाँ पर बिल्कुल शांति है। और देखिए एक लगा भी वहाँ पर, ये बिहारी वांट 14 जून एंटी सुसाइड वाला जो सुशांत जी जी सुशांत जी का डेथ हुआ था। तो बहुत लोगों का कमेंट आया था, बोले थे सुशांत जी के घर के का फिर से व्लॉग बनाओ, और तो इसलिए मैं फिर से सोचा कि आके एक बार देख लेते हैं क्या हाल है, बट मेरे को भी बहुत ख़राब लग रहा है। यहाँ पर फ़ोटो हमेशा रहता था, और वहाँ पर आके मैं फूल चढ़ाता था, बट वो फ़ोटो में हम लोग इस बार नहीं दिख रहा है, सब कुछ हटा दिया गया है। ये तो बहुत ही ख़राब बात है, कम से कम उनके गुजरने का तो उसको तो कम से कम रहने देना चाहिए था। लास्ट टाइम उसको लगाया गया था जब वो डेथ उनका हुआ था उसके बाद, बट अब हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है वो। सुशांत जी के बहुत सारे सीरियल में काम कर चुके हैं, मूवी में उनका पहला सीरियल था, मेरे को याद करने दीजिए, पवित्र रिश्ता, अभी याद आया, पवित्र रिश्ता। और मूवी तो बहुत सारा, सबसे पहला मूवी उनका हिट हो गया था काय पूछे, और मेरा तो फेवरेट MS धोनी है। उसके बाद बहुत मूवी उन्होंने काम किया है, बट MS धोनी मेरा फेवरेट है। तो शुरुआती करियर उनका बहुत ही मुश्किल रहा, उनको बहुत ही मेहनत करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा, और साथ देने के लिए उनकी माँ तो बचपन ही गुजर रही थी, बाबू से उतना चलता नहीं था। बट सबसे ख़राब ये लगा कि उनका फ़ोटो हटा दिया गया, क्योंकि हर टाइम कोई भी आता है तो फ़ोटो के पास माला चढ़ाता है या फिर कुछ फूल वगैरह भेंट करके चढ़ा कर जाता है, बट ये हम लोग को देखने को मिला नहीं, तो मेरे को उसका बहुत ख़राब लग रहा है। तो गाइस सुशांत जी को तो इंसाफ मिला नहीं, और जो जिनके कारण उनका डेथ हुआ उसका भी कुछ पता चला नहीं, एकदम अंडरग्राउंड हो चुके हैं, न्यूज़ वाले कोई भी हेल्प नहीं किए, सब कोई भूल गए हैं, सिर्फ बोल रहे थे कि लास्ट तक हेल्प करेंगे, लास्ट तक पता करके रहेंगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, बस सबको TRP से मतलब था, और लास्ट में सब ने साथ छोड़ दिया। तो उनके बाबूजी जो कि अभी यहाँ पर रहते हैं, बट अभी शायद फ़िलहाल नहीं है, और कोई बोले कि घर बिक गया, कोई बोले कि घर अभी नहीं बिका है, बाबूजी रहते हैं, तो मेरे को तो कुछ पता नहीं चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो यूट्यूब पर गए आप लोग सर्च करिएगा, तो रिया चक्रवर्ती आराम से अभी घूम रही है, बहुत सारे फ़ोटो शूट करवा रही है, फिर से एकदम छा गई है, मतलब कि कोई सब कुछ टेंशन निकल गया है, कितना आराम से सब कुछ हो गया, लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं था ऐसा। चलिए गाइस तो अब मैं फाइनली यहाँ से निकलने वाला हूँ, और आप लोग लोकेशन जानना है तो मेरा यहाँ पर मैं 2 व्लॉग बना चुका हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर। चलिए व्लॉग को यहाँ पिन करते हैं, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। तो अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को ऐसे करिए। ओके बाय, टेक केयर।